यहाँ पर मकर संक्रांति के मौके पर धूप खिली हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम का बदलता रुख, ये तस्वीरें तो आपको हम दिखा दें जहाँ पर अब राम मंदिर पर हो रहे सियासी पारे को देखते हुए आज चर्चा की जानी है। और जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर विवाद को देखते हुए बादल छटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उसी के तहत आज हमारे पास बड़ी खबरें हैं कि एक बार फिर से किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारी और आज से अनुष्ठान की शुरुआत। इस बड़ी खबर पर डिटेल जानकारी तो आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच अब दिल्ली में सुंदरकांड पाठ को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो अब सियासी पारा किस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर खास मेहमानों के साथ आज मैं चर्चा करने वाली हूं। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी आज अयोध्या रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरीके से तैयारी के साथ साथ अब अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, इस बारे में भी उनसे होगी बात। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि अयोध्या में राम की पैड़ी से हम इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं, तो खास मेहमानों का भी परिचय यहां पर मैं आपके सामने करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बड़ा ऐलान कर चुकी है और खबर ये सामने आई है कि सीएम केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे और केजरीवाल रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड के पाठ में मौजूद भी रहने वाले हैं। हालांकि सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए पाठ की बात कही जा रही है, लेकिन बड़े सवाल है जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी की पूजा का मन बनाया है, क्या केजरीवाल का प्लान है और क्यों केजरीवाल सुंदरकांड पाठ को राम मंदिर का राजनीति का जवाब कह रहे हैं। हालांकि इस पर बात जरूर खास मेहमानों के साथ करूंगी और उनका परिचय भी मैं आपके सामने करवा देती हूँ कि कौन कौन से खास मेहमान इस वक्त राम की पैड़ी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की हनुमान जी की शरण में जाने की प्लानिंग आखिर है क्या, सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। सौरभ जी क्या योजना है थोड़ा बताएं। देखिए आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले भी हमारे कई साथी जो हैं अपने अपने स्तर पे सुंदरकांड का कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ लोग हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हर मंगलवार को करते थे। अब पार्टी ने तय किया कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाएगा। इसमें हम लोग दिल्ली की सभी विधानसभाओं में भव्य सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे विधायक साथी, हमारे संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद सभी लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके बाद हर महीने पहले मंगलवार को ये कार्यक्रम वार्ड स्तर पे और मंडल स्तर पे लाया जाएगा और फिर आप कह सकते हैं कि दिल्ली में करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे ये कार्यक्रम हुआ करेगा। चलिए परिचय अपने खास मेहमानों का करवा देती हूँ। इस वक्त आपको बता दें आम आदमी पार्टी से एडवोकेट संजीव हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राम की पैड़ी से बीजेपी लीडर अवधेश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही निर्वाणी अखाड़ा से धर्मजी महाराज इस वक्त हमें मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जोशी सर इस वक्त हमें राम की पैड़ी पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले संजीव जी, सवाल आप ही से, क्या कोई रेस चल रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आती जा रही है इस बीच विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी हनुमान जी की शरण में जाते हुए सुंदरकांड के पाठ का ऐलान कर रही है। सुरभि जी, पहले तो आपको सबको राम राम। देखिए राम एक आस्था का और धर्म एक आस्था का विषय है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण किया है, अदरवाइज किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग सुंदरकांड का पाठ कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता बहुत पहले से, हमारे कार्यकर्ता बहुत पहले से सुंदरकांड का पाठ करते रहे हैं। अब उसको एक सुयोजित तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया है कि अलग अलग ना करके हर पहले मंगलवार को। सवाल उठ जाते हैं ना, 2600 स्थान प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है, टाइमिंग पर सवाल उठ जाते हैं। ये ऐलान पहले तो नहीं था कि हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली में बड़े स्तर पर 2000 से ज्यादा जगहों पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। सुरभि जी, ये तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर मान लो प्राण प्रतिष्ठा में बिजी हैं और हम सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, तो कुल मिला के सभी लोग देश में का उज्ज्वल भविष्य हो, देश में शांति बने, देश में सद्भावना बने, इस नियत के साथ अगर सभी लोग इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई राजनीति। सर, सवाल वजह जानना चाहती हूं मैं आपसे। यहां सवाल मेरा यह है कि इसकी वजह क्या है,
क्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही करवाने का ये जो फैसला लिया गया है उसकी वजह क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैंने जैसे बताया हमारा तो सुंदरकांड का पाठ बहुत पहले से चल रहा है। अब उसको विधिवत रूप से 2600 जगह पे हर महीने वो कार्यक्रम होगा, उसमें पार्टी संगठन संगठित तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेगी। इसका और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का कोई लिंक नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं इसको। अदरवाइज भगवान राम को इस देश में एक एक जन भगवान राम से कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। आप राम भक्त हैं और वो हनुमान भक्त। देखिए, बहुत पहले से ही दो प्रवृत्तियां इस समाज में काम करती हैं। एक निशाचर प्रवृत्ति है जो सीधे तौर पर यज्ञ में विघ्न करने का काम करती है, संत महापुरुषों के काम में बाधा पहुंचाती है। दूसरी एक प्रवृत्ति है जो कालनेमी प्रवृत्ति है। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पर पाठ कर रहे हैं तो वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं? जो साधु बन करके और यज्ञ के काम में विघ्न डालते हैं, संत महापुरुषों के काम में विघ्न डालते हैं, और जो इस देश के जो प्राण हैं प्रभु श्री राम और जो जन जन के आराध्य हैं, जो रो रोम में बसे हैं, उनके भी काम में विघ्न डालने का काम कालनेमी करते हैं। कालनेमी ने केवल हनुमान जी को इसलिए रोका था साधु वेश बना करके कि वो संजीवनी बूटी जो लेकर के जा रहे हैं उनको विलंब हो जाए और लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएं। इस उद्देश्य से कालनेमी हनुमान जी को साधु वेश के रूप में रोकने का काम करता है। इसी तरह से कुछ ऐसे कालनेमी जो आजकल घमंडिया गठबंधन में हैं, जो दिन भर कालनेमी शब्द कहीं से आया है, कुछ लोग कालनेमी है जो दिन भर पानी पी पी करके सनातन धर्म को गाली देते हैं, ऐसे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की संज्ञा देते हैं। किसने गाली दी और कालनेमी शब्द को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी, आपके केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं? बड़ी खबर आ रही है गिरिराज सिंह की तरफ से किए गए ट्वीट को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से हनुमान की शरण में जाते हुए सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया गया है, तो वही गिरिराज सिंह का ये ट्वीट जहाँ उन्होंने लिखा की मंगलवार को हनुमान जी, शुक्रवार को मस्जिद, हर दिन राम मंदिर और राम का विरोध, हे हनुमान जी कालनेमी से बच के रहना। ये कालनेमी शब्द अब मैं आपसे इस पर जवाब जानना चाहूंगी संजीव, क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर लिखा गया और ये कह दिया गया कि मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को मस्जिद। देखिए सुरभि जी, ये देश जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये आस्था का विषय है, धर्म की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना परेशानी और इतना दर्द इसलिए है कि भगवान राम को ये मानते हैं कि भगवान राम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी है। भगवान राम सबके हैं, भगवान हनुमान सबके हैं। ये जिस तरीके का शब्दों का चयन करते हैं ये इनकी बौखलाहट दिखाती है। और चार चार शंकराचार्य जी का शामिल नहीं होना, ये धर्म का काम धार्मिक लोगों का है। जो पॉलिटिकल पार्टी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर ये राम का नाम ले तो वो ठीक है, अगर कोई दूसरा राम का नाम ले तो उस पे इस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं, और देश की जनता इसको देख रही है। हम लोग देश ये सवाल में एक एक जन की सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए, ऐसा है कि पीढ़ियों की तपस्या का पुण्य फलित हुआ है जो आज अपने राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं। पूरे देश को इसका सम्मान करना चाहिए। जिस अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रही हैं, वो कांग्रेस के नेतृत्व में बना हुआ घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, और जो दिन भर सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, जो दिन भर राम की मर्यादा के अपमान की बात करते हैं, अचानक उनके मन में ये श्रद्धा कुछ और है। बशीर भद्र जी का एक शेर है कि दर्द कुछ और है, बात कुछ और बयां होती है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम को नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा दोगलापन लाते कहाँ से हैं? ये राम को नहीं मानते और शंकराचार्य जी की उपस्थिति अनुपस्थिति पर सवाल खड़ा करते हैं, ये दोगलापन इनको पीढ़ियों से प्राप्त है या इन्होंने खुद पैदा किया है? महाराज, आपने तो अयोध्या को उभरते हुए देखा है, पक्ष कर भी आप रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति होती है और प्राण प्रतिष्ठा के समय जिस तरीके से ये खबरें आ रही है कि एक तरफ ये राम भक्त है, जो 22 को नहीं होगा तो वो सनातनी नहीं है, वो भक्त नहीं है,
श्रीमान जी, कोई किसी का कोई इस पर किसी के टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। भगवान के प्रतिष्ठा हो रहा है, इसमें सबको सहर्ष खुशी व्यक्त करना चाहिए। चाहे केजरीवाल फर्जी है, हनुमान जी का पाठ करता है तो करने दीजिए, उससे क्या लेना। मतलब अगर दिल्ली में हनुमान जी की शरण में जाते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करती है आम आदमी पार्टी, तो उसमें परहेज तो नहीं है ना, कोई आपत्ति नहीं? तो ये तो कोई आपत्ति नहीं, और प्रसन्नता होना चाहिए कि सारा जीव मात्र, सभी साधु महात्मा और सभी आदमी भगवान के पूजन कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है और सब चीज की पूजा कर रहा है, इतने सब प्रसन्नता होना चाहिए। तो इसमें करने तो चाहिए, कोई बातें नहीं है। हाँ। सबको भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, इसमें कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, सबको उत्सव में शामिल होना चाहिए, इसी से तो राम की पैड़ी पर हम चर्चा में ये बात करते हैं कि कई लोगों ने तो ससम्मान न्योते को ठुकरा भी दिया है, इसीलिए मामले पर हो रही राजनीति और राम के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर खबरें बड़ी है हमारे पास। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, मैं आती हूं महाराज आपके पास, इस बीच बता दूं कि श्री हरिधाम पीठ अयोध्या जी से ही स्वामी दिनेश आचार्य जी महाराज भी इस वक्त मंच पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और दिनेश आचार्य जी, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऐलान को लेकर चर्चा की जा रही है कि बड़े स्तर पर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए गए इस ऐलान के साथ साथ इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद और मुगलों से लेकर हुणों से लेकर डचों से लेकर अंग्रेजों से लेकर इस देश की गुलामी के बाद जिस प्रकार 26 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आध्यात्मिक स्वतंत्रता हम उस प्रकार से 22 तारीख और 22 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। इन लोगों को जिनको लगता है कि हम अपने सत्ता और वोट से खिसकते जा रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, क्योंकि इनको लगता है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन जाएगा तो उसके साथ साथ जो भाजपा है, जो सत्ता में पार्टी है, कहीं ना कहीं वो मजबूत होगी। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं वो मोदी जी का विरोध करते करते भगवान श्री राम और राम मंदिर का विरोध करने लगे। इन्हें ये नहीं पता है कि रावण का पूरा खानदान राम के विरोध में समाप्त हो गया है। मंदिर बनाने का विरोध तो नहीं हुआ, सिर्फ इतना है कि अगर वो ये दावा करते हैं कि वो राम भक्त है तो हम हनुमान भक्त हैं। लेकिन इस बीच राजेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। महाराज साहब, राजेश सर, क्या आपको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जवाब देने की कोशिश की गई है, ये साबित करने की कोशिश की गई है कि भगवान की शरण में भले ही हम हैं लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की ये रणनीति आपको लगती है इस लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति में राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति के तौर पर यहाँ नहीं आया हूँ। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की राजनीति, पहली बार आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि हम पार्टी के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब आम आदमी पार्टी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, कौन रोक सकता है? जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म और राजनीति का घालमेल कर दिया है, उस पर कोई उसकी मोहर तो है नहीं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से बेचैनी इसलिए हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे बच्चे की तरह हैं जो क्लासरूम में चिंगोटी काट करके भाग जाता है। आपकी जो टैक्टिक्स है, जिस तरह से आपने हिंदू वोटों को मोबिलाइज किया है, वही वो भी कह रहे हैं, आइडियोलॉजी का न होना भी उनके लिए एक तरह से वेपनाइज हो गया है। तो जैसे हिंदू धर्म को, अपनी राजनीति को, जैसे हिंदू धर्म जो है वेपनाइज हुआ है, हिंदू मोबिलाइजेशन वेपनाइज हुआ है, आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास कुछ भी। अच्छा। आम आदमी पार्टी के पास आइडियोलॉजी का ना होना उनके हाथ में एक हथियार के तौर पे, वो जहां चाहे तलवारबाजी करते हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत भीतर से बेचैन है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से है, राहुल गांधी से उतनी नहीं है। अच्छा, उनकी बेचैनी को लेकर संजीव जी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां आपको बता दें कि अब 16 जनवरी जहां इस बीच कर्मकुटी पूजन को लेकर आज बड़ी खबर है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके से ये शुरुआत हुई है, कुंदन एक क्विक अपडेट, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और अगर इस शुरुआत के साथ साथ भव्य तस्वीरें भी आप दिखा सके, संभव हो तो दिखाएं। देखिए सुरभि, अभी से ठीक थोड़ी देर पहले 9:30 पे जो प्रायश्चित पूजन से शुरुआत हुई है आज के कार्यक्रम की, और ये कार्यक्रम जो है, पंडित जी एक बार बताएं कि आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कितना भव्य दिन है आज का? आज तो मंगलवार है, सबसे बड़ा दिन तो ऐसे ही हनुमान जी का दिन है। एक बार संग हो जाएगी शुरुआत तो कर दीजिए कम से कम। जय हनुमान जी बोलो आप। जय हनुमान जी।
हो चुका है आज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का एक तरीके से, और टीवी 9 भारत जो आपको जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक 9:30 बजे से सबसे पहले प्रायश्चित कर्म से जो है इस प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रायश्चित वो कर्म होता है जिसमें कि यजमान भूल चूक जाने अनजाने में किसी भी तरीके की कोई गलती करता है तो पहले उसका प्रायश्चित करता है। इस कर्म को करने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद कर्मकोटि पूजा होगा जिसमें वेद और वैदिक से संबंधित जितनी भी ऋचाएं हैं उसका पाठ किया जाएगा और हवन कुंड की पूजा होगी। तो तकरीबन 5 घंटे की ये पूजा पद्धति है आज की, जो 9:30 बजे शुरू हुई है और तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच तक चलेगा। उसके बाद आज की पूजा पद्धति खत्म होगी और फिर कल दोबारा शुरू होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा की जो आधिकारिक पूजा पद्धति है सुरभी वो शुरू हो चुकी है। और आपने तस्वीरों की बात की तो मैं एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। हमारे ठीक सामने में आप भव्य राम मंदिर के गेट की वो तस्वीर देख रहे होंगे, और इतनी ठंड होने के बावजूद भी भक्तों का हुजूम है, बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ आए हुए हैं और सुबह सुबह रामलला का दर्शन कर रहे हैं। ठंड वंड नहीं लग रही है किसी को? ठंड तो किसी को नहीं लगी। देखो कोई चीज़ का जब उत्साह होता है तो आदमी जल में भी कूद जाता। सरजू मैया में रात 1-2 बजे से आदमी डुबकी लगाता है, क्यों? एक आस्था होती है आदमी के दिल में, भावना होती है। जो उत्साह है आप लोगों का? जी हमारा उत्साह है ये कि जो मैं शंख बजाता हूँ आपके सामने, देखो कितना अच्छा बजाता हूँ, आप बजा रहे हैं। उत्साह सुरभि आपको दिख रहा होगा लोगों के बीच, और निश्चित रूप से ये उत्साह ही है कि टेम्परेचर जहां गिरता जा रहा है लेकिन लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और हमारे सामने पीछे ये भीड़ बता रही है, आपको नजर आ रहे होंगे लोग सारे, ये सारे लोग वो हैं जो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से आए, दक्षिण से आए। चलिए कुंदन, मैं जल्द आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का मुझे रुख करना है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर ओवैसी के निशाने को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहाँ सुंदरकांड पाठ को लेकर केजरीवाल पर ओवैसी ने हमला बोला है। आपको बता दें केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया है असदुद्दीन ओवैसी ने। 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से ये फैसला लिया गया है, ये आरोप भी लगाया गया है। और केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर ओवैसी का निशाना, जहां उन्होंने इस फैसले को देखते हुए ये कहा कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है ये। संजीव जी, सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और ये बड़ी बात कही जा रही है कि उसी बेचैनी का नतीजा है कि इस वक्त हनुमान जी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं सुरभि जी, देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स जितने भी हैं, ओवैसी उनके एजेंट हैं, इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। अभी जोशी जी ने 2 बातें कही, मैं जोशी जी की एक बात से सहमत हूं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी अरविंद केजरीवाल जी। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम लोग ऐसी एक राजनीति करने के लिए देश में आए हैं जहां आम आदमी को, आम जन को वो सुविधाएं जो खास लोगों को सुविधाएं मिलती थी वो सारी चीजें एक आम जन को भी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य का प्रबंध हो, अच्छी पानी बिजली का प्रबंध हो, इस तरीके की जो आम गरीब जन के, आम आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने ये आज पहल जो की, बात आप कह रहे हैं ना वो थोड़ी बदल गई है। मैं आपको बता देती हूँ संजीव जी, जब पहले भी अयोध्या का रुख अरविंद केजरीवाल ने किया था तब आप ही की पार्टी का ये स्टैंड होता था कि मंदिर के बजाय क्यों ना एजुकेशन सेंटर बना लिया जाए, यूनिवर्सिटी बना ली जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए। सुरभि जी आज भी हमारा ये कहना है, देश में जितने जरूरी मंदिर हैं उतने ही जरूरी हॉस्पिटल्स हैं, उतने जरूरी स्कूल्स हैं, और देश को राम राज्य चाहिए। क्या देश को राम राज्य? तो आप सीधी बात ये कह रहे हैं कि मंदिर क्यों बनाया, मंदिर के बजाय हॉस्पिटल होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। जिस तरीके से रेपिस्ट इस देश में बढ़े हैं, ये सब चीजें जो है राम राज्य में। मैं ना उस मुद्दे की अभी बात नहीं कर रही, मैं आपसे सीधा सवाल कह रही हूँ। सर संजीव जी, मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपको लगता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था बल्कि उसकी जगह हॉस्पिटल होना चाहिए था, एजुकेशन सेंटर होना चाहिए था? सुरभि जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको मंदिर के साथ साथ ये सब चीजें भी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, मंदिर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, अदरवाइज मंदिर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं,
जबकि ये शंकराचार्य जी और पंडितों का काम है, ब्राह्मण्स का काम है, उन्होंने तय करनी चाहिए थी तारीख। मौका क्यों मिल जाता है फिर बोलने का कि अगर सुंदरकांड के पाठ के दौरान आपके मंत्री भी तो पाठ में मौजूद रहेंगे ना, तो दिल्ली के भी तो मुद्दे हैं, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो। सुरभि जी, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, तब क्या ये आप सेल्फ गोल क्यों करते हैं? चुनाव की राजनीति को ध्यान में रख के ये रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग तो इस दिल्ली में चुनाव नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं? मंदिर भी बन रहा है और राम राज्य भी स्थापित होने जा रहा है। सवाल तो कितना पैसा खर्च हो रहा है इसको लेकर भी उठा दिए गए हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से सुंदरकांड के पाठ में लग रहे पैसे को लेकर भी सवाल उठा दिए गए हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा, कितना पैसा लग रहा है उज्जैन के लिए? सुरभि जी, देश की आस्था को की आड़ में क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये हर तरीके की चीजें उठाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी से ये इस कदर घबराते हैं कि राजनीतिक तौर पे उनका कोई रिप्लाई इनके पास नहीं है। सर, हम सर, लोगों ने जो गारंटी देनी बात कर रहे हैं उसी आस्था के नाम पर तो 2600 जगहों पर आप सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। झूठी गारंटी देते हैं, ऐसा कहां से लग रहा है? देश की शिक्षा मॉडल को कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है सर इस आयोजन पे? एक सीधा सवाल है संजीव सर, एक सीधा सवाल है, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन 2600 जगहों पर हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है? सुरभि जी, एक बार भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ ले, ये इतने सारा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, यहाँ तो बताया ना साफ तौर पर कि अगर मंदिर बन रहा है, मंदिर में कितने करोड़ों खर्च हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आया, किस तरीके से पैसा जुटाया गया, ये सब तो सामने है। राम 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 प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है? क्योंकि ये राजनीति करना चाहते हैं, ये अरे सर, किसने कह दिया कि ये पार्टी का कार्यक्रम है? कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने इनवाइट किया। अवधेश जी, अब क्या अभी तक न्योता ना मिलने की भी वजह यही है क्या? न्योता भी नहीं मिला इन्हें तो फिलहाल यहाँ पर आने का अभी तक। देखिए, ये घबराते हैं, कामकाज है और इसमें वही लोग शामिल होंगे जिनको जिनके शामिल होने की प्रभु जी की इच्छा होगी। निमंत्रण देना ट्रस्ट के लोगों का काम है, वो किसको आमंत्रित करते हैं किसको नहीं करते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना लादना नहीं है। नहीं तो ये लेकिन जिस प्रोग्राम थोड़ी है सर, लेकिन तो इनवाइट क्यों नहीं किया गया? इनवाइट करने का क्राइटेरिया क्या रहा है? ये, सीएम है, स्टेट के सीएम है। ये ट्रस्ट के लोग ठीक से समझते हैं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अयोध्या में एजुकेशन सेंटर बनने की बात की थी, यहाँ पर राम मंदिर जहाँ गर्भगृह में भगवान राम विराजेंगे, और आज जब मोदी जी के योगी जी के प्रयास से कोर्ट के निर्णय से राम जी अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे, तब इनका मुखौटे पर मुखौटा बदल रहा है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनकी इनके कई मंत्री जेल में हैं। सर सर, और एक सवाल था मेरा, सवाल है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर इनवाइटीज को बुलाया गया है? क्योंकि ये क्राइटेरिया ट्रस्ट के लोगों ने तय किया है और जिनको वो उचित समझते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने निमंत्रित किया है। ये सीधे ट्रस्ट का विषय है, विश्व हिंदू परिषद का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई लेना नालदा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले शीर्ष दल के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जो लोग अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए कई वकील खड़े करके इस मुद्दे को लटकाने का काम किया, और जो लोग यहाँ पर अस्पताल बनाने की बात, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों के बनाने की बात करते हैं, उन लोगों को मुझे लगता है कि राम जी की खुद की इच्छा होगी कि ऐसे लोग उस समय ना शामिल हो, क्योंकि इनकी इनका जो मुखौटा बदल रहा है लगातार। मुझे लगता है एक महाराज सवाल मैं आपसे इस बारे में लेना चाहती हूँ कि आखिर उन लोगों को क्यों नहीं न्योता दिया गया जिनका योगदान रहा है? यहाँ तो सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है, तो मैं इसीलिए क्राइटेरिया को लेकर भी, उन कार सेवकों के परिवार वाले क्यों नहीं है? देखिए, देवता देना न देना तो एक अलग बात है, ये ट्रस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन बोल रहा है, सरकार बोल रहा है, डीएम है, सब 50 लोग मंडल है, मुख्य प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है, आपको के रोक रहा है कि अयोध्या न आइए? महाराज, कोई रोकता था मना नहीं। कोई नहीं कर रहा महाराज आने को, लेकिन मैं आपकी राय इस बारे में जानना चाहती हूँ, कार सेवकों का, उनको उनके परिवारों को क्यों नहीं बुलाया उनको गया? परिवार को बुलाना चाहिए, उनको परिवार का सम्मान करना चाहिए। हाँ। कोठारी बंद से लेकर के और जितने राम जन्मभूमि में जो शहीद भए हैं चाहे परिश्रम किए हैं उनको प्रथम प्रतिज्ञा देना चाहिए था इस कार्यक्रम में। अब जिसे हिसाब से बुलाए तो बुलाने से अयोध्या में तो कोई आएगा नहीं, भगवान के प्रति जिसको श्रद्धा होगा वही आएगा,
इन नेता नेती के साधन से तो भगवान का काम चलता नहीं है। महाराज आप न्योते की जो सूची है उससे सहमत हैं या थोड़ी नाराजगी? देखिए हम नाराजगी सूची से नहीं है। अच्छा। हम नहीं जानते नहीं कि किस किस को न्योता दिया किस किस को नहीं। यह जो ट्रस्ट वाले लोग हैं बना दे रहे हैं ले रहे हैं ये सब काम सभी तो कर नहीं सकता है, लेकिन यह कहते हैं कि सभी को श्रद्धा रखना चाहिए भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति, अयोध्या धाम के प्रति, सरजू के प्रति, अपने आत्मा के प्रति। जो भी गलत से चाहे सही से बीजेपी राम नाम कराया तो राम राम कराने से भाव से कहे चाहे कुभाव से कहे राम के असर होता है, नाम के असर होता है, राम भरेगा। राजेश सर यही राजनीति होगी कि जो आ रहे हैं वो राम भक्त हैं, जो सम्मान नहीं आ रहे ठुकरा रहे न्योता वो राम के खिलाफ हैं। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि सूची को देखते हुए भी कि आखिर इनवाइटीज जो हैं उसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनका योगदान रहा। देखिए कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं जो हमको दिखती हैं लेकिन हम उसे देखने से इनकार करते हैं। आप अयोध्या में जब लखनऊ से जैसे ही आते हैं तमाम पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दूसरा चेहरा होता है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का, एक जगह मैंने अशोक सिंघल की तस्वीर देखी, वो बाकी लोग कहाँ हैं? उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम वो लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन आगे चलाया था। अब ये पूरी तरह से एक, मैं तो इसको एक राजनीतिक परिघटना के तौर पर देखता हूँ और ये चुनाव को नज़र करते हुए ये इतना पूरा ये बनाया गया है और ये वोटर्स तक एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश है कि भारत में राजनीति बदल चुकी है, अब राम और धर्म के नाम पर राजनीति होगी और दूसरी पार्टियाँ भी उसको मानने को मजबूर होंगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। ये अभी दौर कुछ दिनों तक चलेगा और इसमें अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी चलेगा, कि बीजेपी इसमें जीतेगी आगे या कोई और पार्टी या कोई और संगठन आगे निकलेगा, अभी कुछ नहीं कहा। मेरा एक सीधा सवाल आपसे, सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल अयोध्या आएंगे? देखिए हमारे नेता पहले देश के पहली सरकार है जहां हम अपने बुजुर्गों को धार्मिक यात्राएं कराते हैं, बिल्कुल राम में अगर हनुमान जी में आस्था है, हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, तो हनुमान जी तो राम के भगत थे तो बिल्कुल राम भगत हैं और राम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है और इनकी बौखलाहट अरविंद केजरीवाल जी के प्रति इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। सर मैंने आस्था पे सवाल ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा अयोध्या में राम मंदिर में अरविंद केजरीवाल दर्शन के लिए आएंगे या नहीं, आएंगे तो कब आएंगे? अभी क्या है, जो जब भी कार्यक्रम बनेगा तो आप लोगों को बिल्कुल सबसे पहले पता चलेगा। चलिए तो यहाँ इनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब भी कार्यक्रम बनेगा, लेकिन महाराज ये एक जिस तरीके से पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, अब दिल्ली से जो खबर आई है उसमें ये साफ हो गया कि हनुमान जी का सहारा जरूर लिया जा रहा है, क्या मानते हैं आप इसे? इस पर आपका संतों के लिहाज से विचार जानना बहुत जरूरी है कि इसे कैसे देखा जाए। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये राष्ट्र हनुमान जी राम जी भगवान कृष्ण से पूजित है और कोई भी पूजा कर सकता है, सुंदरकांड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि ये राजनीति भाजपा कर रही है और केवल मोदी जी की फ़ोटो है, आरएसएस प्रमुख की फ़ोटो है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसका लंबा संघर्ष हुआ, पूज्य महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के गुरु जी ने पूज्य अभय रामदास जी महाराज ने वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी जिसका प्रतिनिधित्व महाराज जी करे, जगह जगह पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पोस्टर लगाए हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा, अयोध्या से लेकर के और फैजाबाद तक आप जाएंगे तो वहाँ पर देखिए कि ट्रस्ट के लोगों ने फोटो लगाए हैं उसमें बाकायदा सबके, कि कौन कौन लोगों की भूमिका से, स्वामी शिवरामाचार्य जी का फोटो उसमें है। अच्छा। उसमें उमा भारती का फोटो है, उसमें अभय रामदास जी का फोटो है, जितने संत महात्मा ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया सबकी फोटो लगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जी, योगी जी ने, आरएसएस ने अगर इसकी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कार सेवा किया है और यहाँ पर आकर के उन लोगों ने बलिदान दिया है, तो क्या उनको इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए?